ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस, तो यहां पर देख रहे हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, ये है कॉलम। दूसरा देखेंगे कि अफेक्टेड ऑर्गेन कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गेन, ये। थर्ड जो देखेंगे हम कि ऑटो एंटीजेंस क्या है, ऑटो एंटीजेंस क्या है, व्हाट इज इट। एंड फोर्थ देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, क्या होता है इससे, इफेक्ट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या करके। तो फर्स्ट हम बताए थे कि दो तरह का ऑटो इम्यून डिजीज होता है, एक ऑर्गेन स्पेसिफिक, एक ऑर्गेन नॉन स्पेसिफिक, दैट इज नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक, जिसको कि सिस्टमिक कहते थे। सिस्टमिक क्या करता है, इट अफेक्ट मेनी ऑर्गेन्स, और ये सिर्फ सिंगल ऑर्गेन को करता है। तो हम पहले देखते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, पहला हम देखे थे हाशिमोटोस डिजीज, कौन सा, हाशिमोटोस थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस। तो हाशिमोटोस थायरोडाइटिस क्या है, नाम से लग रहा है, ये टारगेट जो ऑर्गेन है, अफेक्टेड ऑर्गेन क्या होगा, थायरॉइड ग्लैंड, तो लिख लेते हैं थायरॉइड ग्लैंड है अफेक्टेड ऑर्गेन, ठीक है। और ये क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड में एंटीजन, उसी में क्या होता है कि कुछ थायरॉइड प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, थायरॉइड प्रोटीन्स होते हैं। और ये थायरॉइड प्रोटीन्स क्या है, कौन कौन से हैं, इसी के खिलाफ दिस प्रोटीन्स एक्ट एज व्हाट, दिस प्रोटीन्स एक्ट एज एंटीजेंस, ठीक है। कौन से प्रोटीन्स, तो दो प्रोटीन्स होते हैं, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज थायरॉइड, थायरॉइड पेरोक्सीडेज, और दूसरा जो है उसको कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, क्या है, थायरोग्लोबुलिन। तो ये दो हैं प्रोटीन्स, थायरॉइड प्रोटीन्स। तो ये क्या होता है, इसी के खिलाफ दिस एक्ट एज ऑटो एंटीजेंस, ठीक है। तो थायरॉइड ग्लैंड में जो ये थायरॉइड पेरोक्सीडेज है और थायरोग्लोबुलिन है प्रोटीन, इसी के खिलाफ क्या बनता है, अगेंस्ट, अगेंस्ट बन जाता है एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट थायरॉइड पेरोक्सीडेज एंड थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमें मालूम है कि थायरॉइड हार्मोन जो बनता है क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ थायरॉइड हार्मोन नेसेसरी क्या है, आयोडीन, आयोडीन आयन इज नेसेसरी, ठीक है। तो जो भी नमक में हम खाते हैं आयोडीन, वो क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स से कहां तक, थायरॉइड फॉलिकल्स होते हैं, थायरॉइड ग्लैंड में देखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे थायरॉइड फॉलिकल्स होते हैं। तो थायरॉइड फॉलिकल्स में जो आयोडीन है वहां पर जाता है, कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और वहां पर आयोडीन बनता है, मतलब आयोडीन रेडिकल माइनस आई माइनस होता है ना आयनिक फॉर्म में, आई माइनस मिला तो क्या बना, टू आई, मतलब आई टू बन गया। तो आयोडीन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कहां होता है, ये होता है थायरॉइड फॉलिकल्स में, और जाता कैसे है, कैसे जाता है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जाने के बाद, ठीक है, ऐसे हम यहां पर बना भी दे रहे हैं थोड़ा सा, ये एक्चुअली में होता क्या है कि थायरॉइड फॉलिकल्स का यहां पर थोड़ा सा बना रहे हैं आप, देखिए ये थायरॉइड फॉलिकल, समझाने के लिए ये थायरॉइड फॉलिकल्स देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इट इज लाइंड बाय, इस तरह का थायरॉइड फॉलिकल्स के अंदर ये थायरॉइड फॉलिकल्स है, दिस इज थायरॉइड फॉलिकल्स, ठीक है। अब ये थायरॉइड फॉलिकल्स है, तो ये थायरॉइड फॉलिकल्स जो है ये, इसमें क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, क्या होते हैं, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा ऐसे से बना रहे, ऐसे से बनाते रहे, ये क्या है, सिंपल, और बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, इस तरह, चलिए कोई नहीं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो इट इज लाइंड बाई, ये थायरॉइड फॉलिकल्स आर लाइंड बाई व्हाट, इट इज लाइंड बाई सिंपल, आप लिख दे रहे हैं ये क्या से लाइंड होते हैं, इट इज लाइंड बाई सिंपल, सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ये तो होता क्या है, ये थायरॉइड फॉलिकल्स है, और यहां पर क्या होते हैं, इस तरह से, ये इसको कहते हैं, ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, दिस इज ब्लड वेसल्स, तो इधर हम बना देना ब्लड
वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज, ये दिस इज ब्लड कैपिलरीज, ये है। अब इसी ब्लड कैपिलरीज में क्या हो गया, आयोडीन जब नमक खाते हैं हम तो आयोडीन नमक क्या होगा, इसी में आएगा ना आयोडीन, तो आयोडीन किस फॉर्म में होगा, ये आई माइनस के फॉर्म में ब्लड कैपिलरीज में है, किस फॉर्म में है, आई माइनस के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं दोनों के बीच में एक छोटा सा ये, तो इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसल लैमिना ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। तो ये आयोडीन क्या होता है, ये आयोडीन ये जो देख रहे हैं अंदर ये कौन सा है, ये क्यूबॉइड ग्लैंडुलर एपिथेलियम ना, ये मतलब थायराइड फॉलिकल्स के इसमें एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ऐसे गया अंदर ये दोनों, कैसे गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कैसे गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और यहां पर क्या होता है, आई माइनस प्लस आई माइनस मिलके ये क्या बना दिया, आई टू बना दिया, क्या बना दिया, आई टू। और इस आई टू बनाने में, ठीक है, बनाने में जो हेल्प कर रहा है और ट्रांसपोर्ट करने और बनाने में जो हेल्प कर रहा है वो कौन सा एंजाइम है, थायराइड पेरोक्सीडेज, ठीक है। तो यही थायराइड पेरोक्सीडेज एक्चुअली में कर क्या रहा है, इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ व्हाट, अपटेक ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन के अपटेक में हेल्प कर रहा है, तो यहां से यहां लिया और यहां आयोडीन मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है, ये एंजाइम। लेकिन अब आप खुद बताइए कि ऑटो एंटीजन क्या है, थायराइड पेरोक्सीडेज, इसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन जाएगा तो क्या होगा, ये वाला थायराइड पेरोक्सीडेज क्या है, इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा ना, ये काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा, तो ये आयोडीन जो है यहां तक बनेगा ही नहीं, आयोडीन जाएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, और ये आयोडीन क्या है आगे, थायराइड हार्मोन बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक तरह से क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन को कम कर रहा है ना, अगर ये ऑटो एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है, थायरोग्लोबुलिन क्या है, ये जो अभी तो हम बताए कि इट इज लाइंड बाय थायराइड फॉलिकल्स अलाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मतलब ग्लैंड है ना, तो ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सेक्रीट करेंगे ना, तो ये वाला जो एपिथेलियम देख रहे हैं ये भी वही है सब, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है थायरोग्लोबुलिन, क्या बनाता है, थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ये बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। तो ये बना के और सेक्रीट करता है, ये जो देख रहे हैं कैविटी इसको कहते हैं डेट इज फॉलिकुलर कैविटी, क्या कहते हैं इसको, फॉलिकुलर कैविटी। तो यहां पर देखिए, यहां पर आयोडीन जो था ब्लड वेसल था, इस ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज में आयोडीन जो था आई माइनस के फॉर्म में था, अंदर लिया कहां पर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, यही ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ये क्या हुआ, आयोडीन मॉलिकुलर आयोडीन बन गया, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और ये बनने के बाद ये भी कहां निकल जाता है, ये निकाल देता है इसको कहां पर, इसको सेक्रीट कर देता है फॉलिकुलर कैविटी में। अब देखिए यहां पर कैसे निकल रहा है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से, कौन सा प्रोसेस, एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पर जो थायरोग्लोबुलिन था एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बाहर निकल गया, यहां पर आयोडीन था एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बाहर निकल गया, और ये अब दोनों मिल जाते हैं, क्या करेगा, दोनों दोनों मिल जाएगा, तो ये क्या कहते हैं, ये बना देता है आयोडो थायरोग्लोबुलिन, क्या बना देता है, आयोडो थायरोग्लोबुलिन बना देता है, थायरो GLOBULIN बना दिया, आयोडीन थायरोग्लोबुलिन क्या होगा, आयोडीन लग गया ना, तो आयोडो थायरोग्लोबुलिन बना दिया, यही है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ आयोडो थायरोग्लोबुलिन, क्या है, इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉइड हार्मोन, यही थायरॉइड T3 T4 पढ़े ना, यही हार्मोन लेकिन इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, हार्मोन जनरली इनएक्टिव फॉर्म में नहीं बनता है लेकिन ये बनता है, ठीक है, थायरॉइड हार्मोन। तो ये क्या है, दिस इज आयोडो थायरोग्लोबुलिन इज इनएक्टिव फॉर्म। अब क्या होता है, ये थायरॉइड आयोडो थायरोग्लोबुलिन जो है ना, ये इट इज टेकन इनटू दिस, ये कहां अंदर, एंडोसाइटोसिस कह सकते हैं ना, इसका क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस हुआ, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर आता है यहां, और यहां पर क्या होगा, इसको तोड़ दिया जाता है, यहां पर लाइसोसोम्स होते हैं ना, अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम, और इसको तोड़ दिया गया, क्या में, इसको तोड़ दिया गया, और तोड़ देने के बाद क्या होता है, इसके बाद तोड़ देने के बाद ये बेसल लैमिना था, और ये तोड़ दिया जाता है, तो तोड़ने के बाद ये क्या बना दिया, यही बना देता है T3 और T4 हार्मोन, क्या बना दिया, T3 और T4 हार्मोन, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये आयोडो थायरोग्लोबुलिन देखेंगे ना, ये आयोडो थायरोग्लोबुलिन है ना, ये वाला आयोडो थायरोग्लोबुलिन, तो आयोडो थायरोग्लोबुलिन ऐसे है इस तरह, ये देखिए ये बहुत सारा इस तरह का, एक्चुअली में क्या होते हैं, ये प्रोटीन का चेन है ना ऐसे लंबा सा,
तो बहुत सारा प्रोटीन का चेन है, और इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें प्रोटीन चेन है और अमीनो एसिड्स होगा ना बहुत सारा, तो ज्यादातर देखेंगे क्या होते हैं, प्रोटीन चेन तो है ही, अमीनो एसिड डिफरेंट है, लेकिन ज्यादातर कौन से होते हैं, टायरोसिन मोनोमर होते हैं। कौन सा? टायरोसिन अमीनो एसिड होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं, करीब कहते हैं कि एक थायरोग्लोबुलिन में कह सकते हैं कि 250 के करीब कह सकते हैं, कितना 250 के करीब क्या है इस तरह के टायरोसिन अमीनो एसिड है, इसके मोनोमर है, ठीक है, इस तरह जगह जगह पर बीच बीच में और भी डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, और इसी में क्या होता है आयोडीन लगा हुआ है ना, आउटर थायरोग्लोबुलिन, तो थायरोग्लोबुलिन जगह जगह पर क्या लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, ये लीजिए यहां लगा है आयोडीन, आयोडीन जगह जगह पर लगा हुआ है अभी आयोडीन, ठीक है। अब ये आयोडीन है, अब ये जैसे ही आयोडो थायरोग्लोबुलिन एंटर किया तो ये इस तरह का बना है ना, अब ये लाइसोसोम एंजाइम्स वगैरह है इसको तोड़ देंगे, तो ये देखिए ऐसे तोड़ दिया तो कितना आयोडीन इसमें आया, इस चेन में चार आया ना, तो T4 कह देंगे, कोई कोई ये क्या हुआ जैसे कि तोड़ा तो चार आयोडीन है ना लगा हुआ, तो T4 कह देगा हार्मोन, ठीक है, और इसी T4 हार्मोन में एक आयोडीन निकल जाएगा तो क्या होगा T3, तो कहने का मतलब यही क्या बन जाता है T3 और T4 अंदर जाके टूटने के बाद, और ये T3 T4 बन गया ना, अब ये T3 T4 हार्मोन क्या होगा फिर से कहां पर आ जाता है, ब्लड वेसल में आ गया, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन जो हमारा बॉडी में है कैसे बनता है, कहते हैं आयोडीन से बनता है, कैसे बनता है, यही आयोडीन देखिए बना रहा है और फिर से वापस थायराइड क्या हो गया, यहां पर थायराइड जो बना था T3 और T4 फिर से ब्लड में आ गया बनके, तो ये प्रोसेस होता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये थायराइड पेरोक्सीडेज जो है क्या में हेल्प कर रहा है, अपटेक ऑफ आयोडीन, ठीक है, यही नहीं होगा इसके खिलाफ एंटीबॉडी होगा तो आयोडीन अपटेक नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा, ये T3 T4 बनेगा ही नहीं। दूसरा क्या, थायरोग्लोबुलिन अगर है इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगा तो थायरोग्लोबुलिन ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन नहीं हो पाएगा ना, तो ये कह सकते हैं कि थायरॉइड प्रोटीन ऑटो एंटीजन है, ये क्या में हेल्प करता है, अपटेक ऑफ आयोडीन, और ये क्या में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ T3 and T4, तो कह सकते हैं थायरॉइड हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में कर रहा है, तो एक्चुअली में ऑटो एंटीबॉडीज बन रहा है तो डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ओवरऑल क्या इम्यून रेस्पॉन्स होगा, ओवरऑल होगा कि डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ कौन सा, थायरॉइड हॉर्मोन्स, तो थायरॉइड हॉर्मोन्स का क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज प्रोडक्शन होगा, एक लाइन में कहेंगे इफेक्ट क्या होगा, तो एक लाइन में कहना होगा तो आप सीधे कहेंगे हाइपोथायरोडिज्म, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोथायरोडिज्म। तो जब भी कोई देख रहे हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें जो अफेक्टेड ऑर्गेन है उनका जो भी काम था वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोथायरोडिज्म हो गया। दूसरा जो एक पढ़ेंगे एक होता है ग्रेव डिजीज कहते हैं, कौन सा, ग्रेव, और इसी को बेसडाउज डिजीज कहते हैं, बेसडाउज डिजीज, ठीक है, इसी को आप कहीं कहीं कहते हैं एक्सोथॉलमिक गोइटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोथॉलमिक गोइटर, ठीक है, एक्सोथॉलमिक गोइटर इसी को कह सकते हैं, एक्सो PHTHALMIC गोइटर, ठीक है, तो नाम से लग रहा है, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थाल्मिक मतलब आईज, तो कैसे इसमें क्या होता है देखेंगे ना किसी को, तो ये बल्जिंग आईज होगा, आंख जो है लगेगा कि बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है मिक्सोमेटस, इसमें देखेंगे कुछ टिश्यूज म्यूकस वगैरह अंदर म्यूकोइड टिश्यू अंदर बन जाते हैं जिसके कारण की बाहर आईज निकला हुआ दिखाई देता है, इसको पॉपिंग आईज, इट इज कैरेक्टराइज बाई पॉपिंग आईज कहते हैं, इसलिए एक्सोथर्मिक गाइटर, और ये डिस्कवर कौन किया था, ये ग्रेव ने किया था, इसलिए ग्रेव डिजीज, और ऊपर कौन डिस्कवर किया था, ये हसीमाटो डिजीज, इसीलिए इसको एक और नाम है हसीमाटो थायरॉइडिज, सुसाइड ऑफ थायरॉइड कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायरॉइड, इसमें अपना खुद क्या डिस्ट्रक्शन कर ले रहा है ना, इसका एंटीबॉडी बन रहा है, इसको डिस्ट्रक्शन कर लिया और ये प्रोडक्शन कम हो गया। यहां देखिए इसमें क्या होता है, ग्रेव डिजीज में क्या होता है, तो ये अफेक्टेड ऑर्गेन कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गेन इज थायरॉइड ग्लैंड सेम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये थायरॉइड प्रोटीन नहीं, थायरॉइड ग्लैंड में जो क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन का क्या नाम है, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये TSH रिसेप्टर होता है, क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड अगर देखेंगे तो थायरॉइड ग्लैंड पर एक रिसेप्टर होता है, उसको कहते हैं थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, और उस पर जब थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाइंड करेगा तब जाके थायरॉइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और वो क्या बनाएगा, थायरॉइड हार्मोन बनाएगा, जब बाइंड करेगा तब ना, तो ये
इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीजेंस आर फॉर्म्ड अगेंस्ट क्या, टीएसएच रिसेप्टर के लिए बनता है. क्या होता है, ऑटो एंटीजेंस आर फॉर्म्ड अगेंस्ट टीएसएच रिसेप्टर, तो रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या हार्मोन क्या होगा, बनना नहीं बनेगा ना. लेकिन यहां पर उल्टा काम होता है. यहां पर क्या होगा, ये जो यहां पर याद रखेंगे कि इसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे, एंटीबॉडी बनेगा ना इसके लिए, तो ऑटो एंटीबॉडीज जो है ना, ये क्या होता है, इट मिमिक्स एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, तो ये किसका ऑटो एंटीबॉडी किसके लिए बन रहा है, थायराइड रिसेप्टर. तो थायराइड रिसेप्टर डिस्ट्रॉय कर दिया ना, लेकिन अब डिस्ट्रॉय कर दिया तब क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन क्या हो, मतलब कि टीएसएच रिसेप्टर खत्म हो गया, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा और प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन नहीं हो पाएगा, ऐसा होना चाहिए था ना. लेकिन यहां पर क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडी क्या करता है, ये इट मिमिक्स द एक्शन ऑफ टीएसएच की तरह काम करता है और वो क्या कर देगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा ना, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देगा. बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देगा तो क्या होगा, आप खुद बताइए, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज नहीं, यहां पर उल्टा होता है, ओवर प्रोडक्शन. क्या कहेंगे, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कौन सा, थायराइड हार्मोन. तो याद रखेंगे कि जनरली ऑटोइम्यून डिजीज में कोई भी चीज क्या होता है, अगर ऑटो एंटीबॉडीज बाइंड करेगा एंटीजन पर तो उसके टारगेट जो ऑर्गेन है उसके सेक्रीशन को क्या कर देगा, कम कर देगा, सप्रेस कर देगा, डिक्रीज कर देगा, इनहिबिट कर देगा, लेकिन बढ़ाता नहीं है. सिर्फ एक ही जगह है जहां पर कि बढ़ाता भी है, तो वो कौन सा ऑटोइम्यून डिजीज में है, देयर इज ओवर प्रोडक्शन, दैट इज याद रखेंगे ग्रेव डिजीज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली ऑटो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देता है, धीरे धीरे कम करता है, ठीक है, सेक्रीशन को, प्रोडक्शन को, लेकिन कहां पर बढ़ाता है, ये याद रखेंगे ग्रेव डिजीज में है, सिर्फ ओवर प्रोडक्शन. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये क्या कर रहा है, हाइपो की हाइपर, हाइपर, तो ये हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट लेड्स टू हाइपो थायरॉयडिज्म, हम ठीक है ये याद रखेंगे. नेक्स्ट तीसरा जो है वो हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड का है, तो एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज. तो एडिसन डिजीज में क्या होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है. एड्रिनल ग्लैंड कहां होता है, ये कैप ऑफ किडनी कहते हैं ना, इट इज नोन एज कैप ऑफ किडनी, तो किडनी के ऊपर होता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करेगा. और होता क्या है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, उसमें एक हार्मोन, एक रिसेप्टर होता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH रिसेप्टर. कौन सा रिसेप्टर होता है, ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिसेप्टर होता है. तो इसमें जिस तरह TSH था रिसेप्टर, यहां पर भी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिसेप्टर होता है, हार्मोन रिसेप्टर. तो ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पर ये रिसेप्टर है तो इसको कौन बाइंड करेगा, तो एड्रिनो नाम से लग रहा है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन बाइंड करेगा. और बाइंड करता है, जैसे ही बाइंड करेगा एड्रिनल ग्लैंड को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा कि तुम अपना हार्मोन निकालो. लेकिन इसी के लिए रिसेप्टर बन गया तो हार्मोन प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा ना, तो हाइपो एड्रिनिज्म होगा. क्या होगा, हाइपो एड्रिनिज्म. तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ कौन सा, एड्रिनल हार्मोन्स. तो एड्रिनल हार्मोन्स का क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन होगा. और एक टर्म में इसको क्या कर सकते हैं, हाइपो एड्रिनलिज्म कह सकते हैं. तो इट लेड्स टू हाइपो एड्रिनलिज्म, तो ये याद रखेंगे, ये हाइपो क्या कर रहा है, एड्रिनलिज्म कर रहा है. तो ये, तो इसमें भी कम, तो जनरली क्या होता है, कम ही करता है. ठीक है, ये होगा. एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो ACH रिसेप्टर तो है ही नहीं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड में, उसके लिए भी ऑटो एंटीबॉडीज बन सकते हैं. और ये प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज 17α OH, ठीक है, और एक है 21 OH. तो इसको कहते हैं, इट कोड्स फॉर क्या, 17α हाइड्रोक्सिलेज, यहां पर पूरा लिख दे 17α
हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कोड को करता है। और ये क्या है, नाम से लग रहा है 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, कौन सा है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये दो प्रोटीन्स हैं, इसके लिए भी ऑटो एंटीबॉडीज बने। और ये दोनों क्या में हेल्प करते हैं, ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल वगैरह है ना, उसको बनाने में हेल्प करते हैं वगैरह। तो ये बन पाएगा, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो नहीं बन पाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल तो ये हो गया, देयर इज अ डिक्रीज प्रोडक्शन इन व्हाट, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स। तो ओवरऑल क्या हो गया, थायराइड हार्मोन जिस तरह ऊपर दोनों में, इसमें कम हो रहा था, इसमें ज्यादा, इसमें कम हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये होगा, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं ये होता है, दैट इज नोन एज हीमोलिटिक हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, तो हीमोलिटिक अनीमिया में क्या हुआ, अनीमिया से लग रहा है कि आरबीसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इट अफेक्टेड ऑर्गन इज आरबीसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरबीसी का मेम्ब्रेन होता है ना, आरबीसी का मेम्ब्रेन, उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो ये प्रोटीन्स के अगेंस्ट क्या बन जाते हैं, इस प्रोटीन के अगेंस्ट जो बन जाते हैं क्या, ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इन दिस ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट क्या, आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया, तो क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा इफेक्ट, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ किसका, ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर दिया। नेक्स्ट, हीमोलिटिक के बाद पॉर्नेशियस अनीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉर्नेशियस अनीमिया। तो पॉर्नेशियस अनीमिया में क्या होता है, ये भी अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, दैट इज आरबीसी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि एक होता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या कहते हैं इसको, एंटीजन क्या है, कैस्टल इंट्रिंसिक, कैस्टल CSTLE कैस्टल, INTRINSIC इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक है, ये एक प्रोटीन है कह सकते हैं, और ये प्रोटीन एक्चुअली में निकलता किससे है, ये प्रोटीन जो है ना, एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखेंगे ना, तो उसमें पैराइटल सेल होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल पड़े होंगे, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो होते हैं क्या होते हैं, ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल होते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सेंटिक पैराइटल सेल क्या निकलता है, यही निकलता है क्या, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, क्या निकलता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अगर सपोज करिए ऑटो एंटीजन ये कैस्टल गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है, तो अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए ऑटो एंटीबॉडी, तो इसको क्या कर देगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा एक प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करता है, ये जो है विटामिन B12 के ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन और विटामिन B12 में हेल्प करता है। लेकिन अब ये डिस्ट्रॉय हो गया है, ये बन ही नहीं रहा है, पैराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बन ही नहीं रहा है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 क्या हो गया, कम होगा ना, ये क्या होगा, कम हो गया। तो यहां पर क्या कर रहा है, तो एक्चुअली हम कह सकते हैं इसमें कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ये क्या करेगा, ये कह सकते हैं डिक्रीज इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो यहां पर देख रहा है क्या हुआ, इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, कर रहा है। ठीक है, अब ये एक्चुअली में ये जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर किससे निकलता है, पैराइटल सेल से, तो पैराइटल सेल कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकालता है, और वो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, और ये विटामिन B12 क्या मेहनत करता है, मैच्यूरेशन मेहनत करता है, आरबीसी के मैच्यूरेशन में। तो आप खुद बताइए, ये हट गया तो ये नहीं है, ये नहीं है तो क्या हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मैच्यूरेशन क्या होगा, फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी क्या होगा, नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं बनेगा, कम होगा, तो एनीमिया है ना। तो यहां कह सकते हैं डिक्रीज इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और क्या कह सकते हैं, और डिक्रीज फंक्शनल मैच्यूरेशन, फंक्शनल
मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ये होगा परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट जो एक देखेंगे ये है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज मायस्थेनिया, मायस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस। ये सब अभी तक देख रहे हैं क्या है, ऑर्गन स्पेसिफिक है, सिस्टमिक नहीं है। तो मायस्थेनिया ग्रेविस किसको अफेक्ट करेगा, ये मसल को अफेक्ट करेगा। इट विल अफेक्ट व्हाट, इट विल अफेक्ट मसल। ठीक है, तो ये किसको करेगा अफेक्ट, तो ये इट विल अफेक्ट व्हाट, इट विल अफेक्ट मसल्स, तो ये मसल्स को अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर लिख दे रहा है ये किसको अफेक्ट कर रहा है, यहां लिख दे रहा है इट विल अफेक्ट मसल्स। ठीक है, ये होता क्या है, इसमें जो ऑटो एंटीजेंस है उसको कहते हैं ACH, इसको कहते हैं ACH रिसेप्टर, ACH रिसेप्टर। ठीक है, तो इसमें ऑटो एंटीजेंस क्या है, यहां पर याद रखिएगा थायराइड हार्मोन्स प्रोटीन्स है, इसमें TSH रिसेप्टर्स, इसमें ACTH रिसेप्टर और एड्रिनल प्रोटीन्स, इसमें दैट इज आरबीसी का मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, और इसी को क्या कहते हैं, और इसी को कहते हैं गैस्ट्रिक पैरेंटल सेल्स। और ये याद रखिए क्या है ये वाला, तो इसको हम इस तरह दे रहे हैं, ये दिस इज ACH तो मसल्स है, यहां पर इस तरह कर दे, तो मायस्थेनिया ग्रेविस में कौन सा है, ये अफेक्टेड ऑर्गेनिज मसल्स, और इसमें क्या हो जाएगा दैट इज ACH रिसेप्टर। ACH मतलब क्या हुआ, असेटाइल कोलीन रिसेप्टर, इसमें क्या है असेटाइल कोलीन रिसेप्टर्स है। तो ये इस तरह कर दे रहे ताकि आपको याद रहेगा, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ACH रिसेप्टर बन रहा है। अब ये देखिए ACH रिसेप्टर है ये कहां पर होता है, ठीक है, तो ACH रिसेप्टर मेनली ये कहां पर है, इसमें जो ऑटो एंटीजन है ACH रिसेप्टर ये कहां पर प्रेजेंट है, तो ये इट इज प्रेजेंट एट एट इसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट, कौन सा मोटर एंड प्लेट, और यहीं पर लिख रहे हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जेन मतलब जंक्शन पर, तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर है, तो जब भी नर्व इंपल्स आएगा ठीक है तो ये एसिटाइल कोलीन निकलेंगे। ठीक है, तो एसिटाइल कोलीन कहां बाइंड करेगा, ACH रिसेप्टर पर, कहां पर प्रेजेंट है मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, और वो क्या हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा ACH रिसेप्टर क्या हो गया, इसके लिए ऑटो एंटीजेंस है, तो इसके लिए इसके अगेंस्ट क्या बनेगा एंटीबॉडी, तो वो एंटीबॉडी क्या है जाके कहां बाइंड करेगा ACH रिसेप्टर के बाइंड कर गया, तो जो एक्चुअल में एसिटाइल कोलीन था वो तो बाइंड कर नहीं पाया, तो ब्लॉकिंग हो जाएगा ना, ब्लॉकिंग और इनहिबिशन ऑफ क्या हो गया नर्व इंपल्स, तो ब्लॉक हो गया नर्व इंपल्स, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो नर्व इंपल्स था वो ना था वो नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का इनहिबिशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका इफेक्ट क्या हो गया ACH रिसेप्टर, तो इफेक्ट लिख रहे हैं क्या हो जाएगा इनहिबिशन, इनहिबिशन और ब्लॉकिंग, तो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे कम कम होते होते और ये फाइनली डिक्रीज हो जाएगा, फिर इनहिबिट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लॉकिंग ऑफ क्या मस्कुलर एक्टिविटी और मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा ये इनहिबिशन हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट करने वाला कौन सा है दैट इज कह सकते हैं किसमें मायस्थेनिया ग्रेविस में। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये हो गया। एक लास्ट जो है एक और देख लेते हैं, ये है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट, क्या कहेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस IDDM, इसी को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, दो तरह का होता है टाइप 1 और टाइप 2, तो ये क्या है टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या हुआ ये किसको इफेक्ट करेगा, तो ये जनरली क्या हुआ पैनक्रियास, अफेक्टेड ऑर्गेन इज पैनक्रियास, तो इसमें अफेक्टेड ऑर्गेन कौन सा है, तो यहां देखिए IDDM है ये, इसमें अफेक्टेड ऑर्गेन इज पैनक्रियास। ठीक है, इसमें पैनक्रियास को अफेक्ट करेगा, तो होता क्या है कि एंटीजन कहां पर होते हैं, तो पैनक्रियास में बीटा सेल, आप पढ़े होंगे
कि इसमें एंडोक्राइन पार्ट होता है एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, जो हार्मोन निकालते हैं, उसको कहते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैम्स। ठीक है, तो इसलेट ऑफ लैंगरहैम्स में चार सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल और डेल्टा सेल्स। तो इसमें बीटा सेल्स जो है ना वो इंसुलिन निकालता है, अल्फा सेल्स क्या करता है, इट सेक्रेट्स विच हार्मोन, ग्लूकागोन। बीटा सेल्स सेक्रेट्स क्या, दैट इज इंसुलिन। तो बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन करता है ये, मतलब ऑटो एंटीजेंस किसके लिए बनता है, मतलब एंटीबॉडीज आर फॉर्मड अगेंस्ट क्या, बीटा सेल्स ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरहैम्स। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, पैनक्रियास, ये बीटा बीटा सेल्स ऑफ इसलेट्स ऑफ इसलेट्स ऑफ, तो बीटा सेल्स ऑफ कह सकते हैं, बीटा सेल्स ऑफ इसलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स, लैंगरहैम्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये इसमें किससे बन रहा है, किसमें कह सकते हैं, एंटीबॉडीज आर फॉर्मड अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ इसलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स, ये आपको याद रखना है। तो बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया, अब वो एंटीबॉडी क्या करेगा, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, और एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या हो गया, इंसुलिन निकालता था ना, इंसुलिन निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो इफेक्ट हो जाएगा दैट इज नोन एज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरहैम्स, फाइनली क्या होगा, बीटा सेल्स नहीं रहेंगे, इंसुलिन लेगा, तो कह सकते हैं डिक्रीज, डिक्रीज क्या, डिक्रीज क्या हो गया, प्रोडक्शन, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कौन सा हार्मोन, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन, तो वी कैन से डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये हो जाएगा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सब हो गया। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, ये सब ऑर्गेन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज है, कौन कौन सा है, हशिमोटो डिजीज, ग्रेव डिजीज, इन दोनों में देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड है, ये क्या है एडिसन डिजीज, ये क्या हो गया एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट कर रहा है, हिमोलिटिक अनिमिया आरबीसी, पर्निशियस अनिमिया दैट इज आरबीसी, उसी तरह मायस्थेमिया ग्रेविस मसल को, और डायबिटीज, ये तो ये चारों के चारों इसको अफेक्ट कर रहा है। यहां पर एक चीज याद रखना है कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, ये किसी भी अफेक्टेड ऑर्गेन को अफेक्ट करता है और उसके सेक्रीशन को क्या करेगा, कम करेगा, ऑलवेज क्या है सप्रेस और डैमेजेस करता है। लेकिन एक ऐसा ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें कि अपने सेक्रीशन को बढ़ा देगा, ये इंपॉर्टेंट है बस, कौन सा, हाइपरथायरॉइडिज्म, तो कौन सा डिजीज है, ये याद रखना है ग्रेव डिजीज। अगर ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा ऑटोइम्यून डिजीज है जहां पर कि टोटली क्या है ब्लॉकिंग और इनहिबिशन भी करता है, टोटली बंद भी कर देगा एकदम, ये तो थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन होते रहेगा लेकिन ब्लॉकिंग कर देगा कहां, तो एक्चुअली में कह सकते हैं इनहिबिशन ब्लॉकिंग मसल कहां पर, ये मायस्थेमिया ग्रेविस में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मायस्थेमिया ग्रेविस आपको लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ना है, ये सब थायराइड में पढ़ना है, ग्लैंड में, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में सब पढ़ना है, सब अलग अलग आपको पढ़ने हैं, ये लिख लीजिए इसको।